हम गए थे पटना, लेकिन मैं एक मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मैं ये वीडियो नहीं डाल पाऊँगा सगाई का अभी, तो मैं सगाई की वीडियोस के अलावा आगे की वीडियोस डालूंगा। अब हम जा रहे हैं वापस घर की तरफ, और मेरी फैमिली जा चुकी है, उनको स्टेशन पे उतार दिया, वो चले गए स्टेशन से। नेटिव और बड़े भैया यहीं पर हैं, और कल मैं बड़े भैया मिल के और लड़के वाले तीनों जाके शादी के लिए प्लॉट बुक करेंगे, और कल सुबह तक डेट भी मालूम हो जाएगा, आज रात में डेट बता देंगे लड़के वाले तो शादी का, तो कल जाके हम फाइनली प्लॉट बुक कर देंगे। ज्ञान कैसे खिला रहा है, देखो थोड़ा सा परेशान हो गया था बच्चा यार, Hey guys, very very good morning। पता नहीं कैमरा में ऐसा क्यों दिख रहा है, मे बी फॉगी है वेदर बहुत, और यहाँ ठंड है, मतलब वो अच्छी ठंड है। और मैं अभी उठा हूँ, और आज हमें जाना है बैंगलोर वापस, और आज है मंडे। मैं सोचा कि थोड़ा सा यहाँ पे ऑथेंटिक कचौड़ी सब्जी खा लूँ नाश्ते में, यहाँ पे मिलती है, तो मैं जा रहा हूँ कचौड़ी सब्जियाँ लाने। और आज अफगानी चिकन बनाने वाली है श्वेता, कल में तो श्वेता अफगानी चिकन भी बनाने वाली है, तो वो भी बहुत ही अच्छा होने वाला है। साथ में श्वेता ने बोला कि लिट्टी खाना होता है, लिट्टी बिहार का बहुत ही फेमस डिश है, उसमें सत्तू यूज़ होता है, तो वो सत्तू ऑथेंटिक यहीं पे मिलेगा, वो सत्तू से स्टफ़ करते हैं वो बाटी को, तो वो सत्तू जो है ना वो चने का होता है पाउडर, तो यहाँ पर अच्छा मिलेगा, ऑथेंटिक मिलेगा, तो मैं वो भी जाऊँगा अभी ले लूँगा। प्लस हाइपर करके एक यहाँ पे सुपरमार्ट है, वहाँ से मुझे हुमाद लेना है। हुमाद यहाँ बिहार के लोग को पता है हुमाद किसको कहते हैं, वो पूजा में यूज़ होता है, वो लकड़ी होती है, वो मुझे लेना है, तो मैं अभी जा रहा हूँ वो भी लूँगा, वो कहीं नहीं मिलता उधर, फिर मुझे बैंगलोर में तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, मैं सोच रहा हूँ यहाँ से लेके जाऊँगा। उसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, जब पूजा करते हैं ना तो उस लकड़ी को जलाते हैं तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। ओरिजिनल माल दिया, चना का सत्तू 1 किलो 100 रुपये लगाई है, बाप दा दिखाओ, एकदम फर्स्ट क्लास माल बनू, ठीक बात दे। आज मैं ले रहा हूँ सत्तू जो कि 120 रुपये किलो है यहाँ पर, ओरिजिनल सत्तू मालिक है, इसके लिट्टी बनते हैं, ये देखो पाउडर जैसा है ना, दुकान मालिक मकान मालिक है, दुकान मालिक के बहुत सारे मालिक है। जकिनो जाओ जाओ कियान के पास जाओ, कियान देखो जैकी जैकी, वाह। ये मेरी बुआ, और सुबह हो गई है और इतनी अच्छी धूप आ रही है बालकनी में, और हम बैठे हुए हैं, कियान भी बैठा हुआ है और दूध पी रहा है। बुआ चल साथ है, चल बेंगलोर चल, चल रात के फ्लाइट बा, का परेशानी पड़ गए बा, का बा कौनो परेशानी नहीं है, देवघर ना आईबे ना, सब कुछ हो तो देवघर का से, हाँ वही बतवा बा, फिर जा फिर ना, हाँ हाँ ठंडा का दिन रही, अच्छा ठीक बा, शादी दिन निपट जाए फिर बात, कितना दिन बाद भेटाइल बा, कौन सी किस चीज की कचौड़ी है, हां दाल की कचौड़ी नहीं, इसमें सत्तू का स्टफ करते हैं, अच्छा
सत्तू का है तारा ना चलेगा वो ना अलग ही टेस्ट आएगा वो तो मैं समझ हां हुआ ना मिलेगा हाँ सत्तू एक किलो लो नहीं हाँ गाइस मैं आया हूँ हुमात लेने के लिए ये है पूजा वूजा का कॉलम तो आई गेस यहीं कहीं पड़ा होगा ये पड़ा है ओके तो ये इसकी मैं बात कर रहा था बट भाभी बोल रही थी कि इसके साथ कुछ मिक्सचर होता है वो सब एक साथ वो बहुत आसान होता है फिर इसको इग्नाइट करना और गर्लफ्रेंड के लिए कूद गया सच्चा प्यार जी और दौड़ के सीधा उनके घर पे मतलब जब भी गलती से गेट खुला रह जाए गैरेज का या कुछ सीधा उनके घर कहाँ मिलेगा भाई वो लोग बेचारे इतने परेशान इस जैकी की कोई गर्लफ्रेंड है मेल है या फीमेल है ये तो यार गर्लफ्रेंड बना लो यार उम्र कितनी है अब है दो साल तो हो ही गया है कब हुआ क्यान क्या कर रहे हो क्यान व्हाट आर यू डूइंग चलो 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 क्यान क्या कर रही हैं चाची चाची को कर रही ये मैंने अफगानी चिकन ट्राई किया है सबको खिलाने के लिए और सबको बहुत पसंद आ रहा है अभी किसने को मम्मी ने बोला है वो सब पता चलेगा कि अच्छा है कि नहीं अरे काफी डिलीशियस लग रहा है अभी सब पापा खाएंगे सब खाएंगे बहुत अच्छा बना है और ये ऑनेस्ट रिएक्शन आ गए फीडबैक बहुत अच्छा बना बहुत टेस्टी बना है मैं दो पीस खाती हूँ आज मैं चार पीस पांच पीस खाई हूँ भाभी का पूरा इंटरव्यू दे रही है तो भाभी और क्यान यू वांट समथिंग ये तो आपके पास है ना क्यान वाओ वाओ क्यान कम देखो ये वाला इसमें कार भी है आपको वही चाहिए वो तो बेटा ऑलरेडी है आपके पास रोबो रोबो क्यान के पास तो इससे भी बड़ा रोबो है बिहार का फेमस लिट्टी और चोखा ये लिट्टी और ये आग के तंदूर में बनता है देखिए भैया एक प्लेट लिट्टी चोखा खिलाइए ये है चोखा कांची का चोखा है भैया आलू बैंगन टमाटर ये चटनी बादाम और नारियल का है और पूरा घी शुद्ध घी में लिट्टी को एकदम डिप कर दिए हैं साथ में प्याज दे दिए मिर्चा दे दिए वाह ये है बिहार का लिट्टी चोखा फेमस लिट्टी चोखा तो मैं लेके आया हूँ चने का साग और बथुए का साग और क्या है पालक और शलजम और बुआ मैं हमारे लिए क्या कर रही है कि इसको अच्छे से क्लीन करके सब दे रही है और ये छोटे वाले पोटैटो ये आलू छोटे वाले आलू इसकी भुजिया बहुत अच्छी बनती है और ये हम 3-4 घंटे में बैंगलोर पहुंचने वाले हैं हमारी फ्लाइट है अभी 1 घंटे के बाद और बुआ ने इतने सारे मटर भी छील दिए बैठे बैठे अभी शाम में तो ऐसा लग रहा है मुझे तो ना कि मेरा मतलब जैसे मम्मी देती है ना सब सामान हम लोग जाते हैं तो जैसे मैं अपने पियर से जाती हूँ ऐसे सब छिलवा छिलवा के कटवा कटवा के लेके बुआ तो ऐसे दे रही तो बुआ और बुआ का हाथ देखो कितना तेज चल रहा है फटाफट करती है बुआ को बहुत पसंद है ये काम आराम से बैठ जाती है टेबल पे और सब कुछ कर दिया अभी हमारे लिए कितना काम कर दिया हल्का हो गया हमारे लिए बस जाना है इसको कुक करना है और कुछ भी नहीं करना है वॉश करो और कुक कर लो मैं तो मना किया था बुआ को हाँ हल्का हो जाएगा
हलुक हो जाए। और खाने में क्या पैक करवाया है? खाने में क्या पैक करवाया रात में वहाँ जाके? सत्तू के पराठे बनवा लिए। अच्छा, तो सत्तू के पराठे भी भाभी ने बनवा दिया है। बस हमें वहाँ जाना है और खाना है सत्तू के पराठे घर पे जाके, और उसके बाद सो जाएंगे और कल ऑफिस करेंगे। उठ तो जाओगे ना कल? हाँ बिल्कुल उठूंगा, एक 10-15 बार में उठाऊंगी। ठीक है।